नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मामला इंस्पेक्टर सिंह मार्केट सेक्टर 6 आवास विकास कल्याणपुर के अंतर्गत एके सिंह का जन केंद्र खुला, जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में अशोक कुमार यादव, जो कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं, उन्होंने उद्घाटन किया और उद्घाटन के दौरान इंडियन प्राइम न्यूज के संवाददाता से भी बात की और ये भी बताया कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी गरीबों और दीन दुखियों के लिए घर घर जाकर कार्य कर रही है। आए दिन लगातार जिलाधिकारी का घेराव, प्रधानमंत्री को ज्ञापन और कई मुद्दे पर गरीबों की हक की लड़ाई लड़ रही है और उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव के पहले वादा किया था कि सत्ता में आएगी और 14 करोड़ लोगों को नौकरी भी देगी, लेकिन यहां 30,000 रुपए की नौकरी करने वाले को भी 5,000 तक नहीं मिल रहा। जनता को बांटना, नफरत फैलाना, राजनीति का काम घर घर जाकर राम के नाम पर चंदा वसूल करना, 100 से लाखों रुपए तक जो चंदा वसूल था वह कहां गया, ट्रस्ट के नाम पर क्या सरकार 1100 करोड़ का ब्यौरा दे पाएगी, 70 दिन होने जा रहे हैं, किसान ठंड में दिल्ली में बैठा है अपनी रोटी के लिए, लेकिन उनका भी कोई फैसला नहीं हो पा रहा। इस तरह से उन्होंने सरकार की कई अनियमितताएं गिनाई और जमकर निशाना साधा। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका इंडियन प्राइम न्यूज में। आज हमें उत्तर प्रदेश के कानपुर के आवास विकास अंबेडकर नगर के इंस्पेक्टर सिंह मार्केट में जी हम दिखाना चाहेंगे, हम अपने कैमरा मैन से कहेंगे जरा पीछे कुछ पोर्शन को दिखाए जी। ये जो बांके बिहारी सेवा केंद्र, जन सेवा केंद्र है, इसकी जो आज ओपनिंग की गई है, जिसके ऑनर एके सिंह जी है और इसके जो चीफ गेस्टेड है अशोक कुमार यादव जी, जो कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव जी हैं। अभी हम उनसे भी रूबरू होंगे, कई चीज़ें हैं हमारे उत्तर प्रदेश की जनता के मन में, कई चीज़ों के बारे में बताएंगे, वो पूछेंगे भी। ये श्री बांके बिहारी जनसेवा केंद्र जो इस क्षेत्र में बहुत ही आवश्यक था, क्योंकि इस क्षेत्र में कोई इस तरह का सेंटर नहीं जो यहाँ के लोगों के लिए जो सुविधाएँ प्रदान करा सके। तो ये जनसेवा केंद्र के साथ साथ आज हमने जो ओपनिंग की है उसमें हमने 125 लगभग खाते जो है जनधन योजना के जीरो बैलेंस पे ओपनिंग के अवसर पर खुलवाए हैं। उसी से मुझे ये एहसास हो गया कि इस क्षेत्र में इस चीज़ की कितनी आवश्यकता थी, इसीलिए ये सेंटर खोला है कि जनमानस में इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधाएँ प्राप्त हो सकें। युवाओं को किस तरह से रोज़गार देंगे? युवाओं को रोज़गार के लिए जो है, जैसे लोगों को स्वरोजगार के लिए ऋण आदि की व्यवस्था कराने के लिए और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम लोग व्यवस्था करें। सर, आपका परिचय? मैं अशोक यादव हूँ, प्रदेश महासचिव प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। सर, आज आप यहाँ आए किस उद्देश्य से? क्या आज ही हमारे छोटे भाई एके सिंह यादव जी, इनके द्वारा बांके बिहारी जन सेवा केंद्र का शुभारंभ किया गया और उसका आज शुभारंभ हुआ है और बहुत लोग क्षेत्र के लोग यहाँ इकट्ठे हुए और बहुत अच्छा लगा। जो जन क्षेत्र की जन समस्याएँ थी और यहाँ पर कोई ऐसा केंद्र नहीं था जो जनता की इस समस्या का समाधान कर सके। आज पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार व्याप्त है, आम गरीब मजदूर सभी को सरकार ने लागू कर दिया कि आधार कार्ड आप सबको आवश्यक है, पैन कार्ड सबको आवश्यक है, लेकिन दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और उसका कोई समाधान नहीं है, बन नहीं पा रहा है। बन रहा है तो भ्रष्टाचार व्याप्त है, कोई कितने पैसे मांग रहा, कुछ मांग रहा। उन सब के लिए जो ये जनसेवा केंद्र यहाँ पर एके सिंह ने जो आज शुभारम्भ किया है, मुझे लगता है कि यहाँ क्षेत्र की जनता को बहुत खुशी हुई है, क्योंकि आज पहला दिन है और जब ये इसका शुभारम्भ हुआ तो लगभग 125 लोगों ने यूनियन बैंक के जीरो बैलेंस पर अकाउंट यहाँ पर आके खुलवाए और तमाम लोगों की, किसी की आधार बनाने की समस्या है, किसी की पैन कार्ड की समस्या है, किसी आय प्रमाण पत्र की समस्या है और जितनी भी समस्याएँ जनता के बीच में, सरकार तो इस पर कोई और तो ध्यान दे नहीं रही है, भ्रष्टाचार है, उस सबका निवारण। जैसे रोजगार की आपने बात की, रोजगार सरकार ने चला दिया कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना, गारंटी योजना, जिसके लिए 5 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक तो व्यवस्था कर दी है, लेकिन उसके पास अब जब बोल उसके लेने के लिए जाता ना तो उसके पास आधार कार्ड है, उसके लिए चक्कर काट रहा है तो आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है, पैन कार्ड आवश्यक कर दिया उसके पास पैन कार्ड नहीं है, उसके बाद आप बना दिया कि आप जात प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र बनवा के लाइए, वो तहसील के चक्कर लगा रहा है, ना लेखपाल मिल रहा है, ना कभी तहसीलदार नहीं मिल रहा है। तो इन सब का समाधान जब यहाँ से होगा तो लोगों की जो सरकार की जो जनता के लिए जो योजना लाई गई है उसका अच्छी तरह से उसका पालन हो जाएगा और इससे केंद्र के माध्यम से आम लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। सर, आप प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के काफ़ी कद्दावर नेता माने जाते हैं और उत्तर प्रदेश की जनता के मन में एक चीज़ समाजवादी पार्टी और प्रगति समाजवादी पार्टी को लेकर 2022 में क्या रणनीति है? देखिए, हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस बात को बार बार कह रहे हैं, मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं, आम जन लोगों के माध्यम से कह रहे हैं कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी ये भ्रष्ट सरकार को हटाने के लिए सारे समाजवादियों को एक मंच पर आना चाहिए,
और इससे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो अभी एक हफ्ता पहले मैनपुरी में सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहा है कि मैं बिना किसी शर्त के गठबंधन के लिए तैयार है। तो उनकी तो ये सोच है, जबकि लोग उनको उल्टा कह रहे थे कि वो बीजेपी का एजेंट बता रहे थे। आज वही जो है पूरे प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं, जो जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस सरकारों को उखाड़ फेंकने के लिए जितना भी कर सकते हैं, जितने लोगों को जोड़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा मैं छोटे छोटे दलों के साथ में लेके आऊंगा, सारे समाजवादियों के एक मंच पे लाऊंगा और इस सरकार को 2022 में उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। लेकिन एक तरफ ये भी देखा जा रहा है कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी गाँव गाँव घर घर गली गली में कुछ कुछ में दिख रही है, काफी लोकप्रियता बढ़ गई है जनता के बीच, तो क्या समाजवादी पार्टी गठबंधन करेगी कि अपने दम पे सरकार बनाएगी? नहीं, मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के पास सारे सर्वाधिकार सुरक्षित है। वो जो भी निर्णय लेंगे हमारी पार्टी के हर कार्यकर्ता को मानना जरूर है। दूसरी बात, उन्होंने कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए उनके साथ जो आएगा उसका वो स्वागत करेंगे। जहाँ तक गाँव गाँव और पांव की बात करने की बात जो बात कही है आपने, तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी एक दल है और प्रदेश का मान्यता प्राप्त दल है, अपने संगठनों को मजबूत करने के लिए और जन समस्याओं का निराकरण करने के लिए। ये किसी अन्य किसी दल ने ये बिगड़ा नहीं उठाया है। ये कभी हमारे समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जो वर्तमान में संरक्षक हैं, हमारी पार्टी के भी संरक्षक हैं और समाजवादी पार्टी के भी संरक्षक हैं।